आज हम बनाएंगे मुजफ्फरनगर की स्पेशल पाई की तहरी। मैं हूँ यास्मीन निगत। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अशीन फूड क्लब चैनल पर। आज की तहरी जो है बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनने वाली है। तहरी जो है मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाकर दिखाऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं तहरी बनाना। हमने जो है कुकर को रख दिया है गर्म होने के लिए। इसके अंदर हमने 100 ग्राम सरसों का तेल डाला है। आधी प्याज को मैंने फाइन कट करके रख लिया था, उसे डाल दिया है। आज जो हम आपको तहरी बनाकर दिखाएंगे, 700 ग्राम चावल और 100 ग्राम काली दाल की बनाकर दिखाएंगे। प्याज जो है बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो गई है। हमने इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच अचार का मसाला। अच्छे से मिक्स करें और इसे 1 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से भून लें, जिससे कि इसकी कच्चेपन की खुशबू निकल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको तहरी की वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। 4 जो है हमने तेज़पात के पत्ते कुकर के अंदर डाल दिए हैं। 1 चम्मच पीली मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने नमक लिया और 1 चम्मच पूरी हमने हल्दी ली है भरकर। सारे मसाले हमने इसके अंदर एक ही साथ डाल दिए हैं। डालने के बाद जो है बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है, जिससे कि हल्दी की कच्चेपन की खुशबू निकल जाए। मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भून चुका है 1 मिनट में। इसमें जो है हम फौरन से टमाटर ऐड करेंगे, 3 बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर जो है काफ़ी सारा पानी छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी डालना चाहें तो डाल लें। मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है हल्का सा। डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे टमाटर को सॉफ्ट होने में। टमाटर अगर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो तहरी जो है बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनेगी। टमाटर बहुत ही अच्छे से भुनने शुरू हो गए हैं। चेक करेंगे हम आपको इस तरीके से, चम्मच से हल्के हल्के से टमाटर को कट कर लें। टमाटर जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसके अंदर जो है मैं 2 चम्मच दही भी डालूँगी। दही से जो है चावल बहुत ही अच्छे नरम बनते हैं। दही डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स करें। सब्ज़ी जो है हमने पहले से ही बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद कट करके रख ली है। 1 मीडियम साइज़ की गाजर, 4 से 5 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक के पीस को हमने लंबे साइज़ में कट कर लिया है। 1 पाव हमने मटर के दाने लिए हैं। 1 मुट्ठी जो है मैंने यहाँ पे मूली भी ली है बारीक कटी हुई। सारी सब्ज़ी को जो है इसके अंदर हम एक साथ डालेंगे। मसाला जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। मसाला हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है। सारी सब्ज़ी हम इसके अंदर एक ही साथ ऐड कर देंगे और डालने के बाद जो है इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 मैंने आलू भी लिया है बड़े साइज़ का, वो मैं बाद में डालूंगी जब सब्ज़ी की हल्की सी भुनाई हो जाएगी। 2 मिनट पूरे हो गए हैं सब्ज़ी की भुनाई करते हुए। सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छे से भुन चुकी है। सब्ज़ी डालने के बाद जो है सिर्फ हमें इसकी 2 मिनट के लिए भुनाई करनी है। 1 हमने बड़े साइज़ के आलू को जो है लेकर बारीक बारीक कट कर लिया है, बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। सारे आलू डाल दें और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। सब्ज़ी की भुनाई जो है हमें ज़्यादा नहीं करनी है, नहीं तो सब्ज़ी जो है ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। सब्ज़ी और मसाला जो है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। इसके अंदर जो है हम पाए डालेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है यहाँ 2 पाए उबाल के रखे हैं। पाए जो है बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। इसके अंदर हम सारी पाए की बोटी डाल देंगे। अगर आपको पाए उबालने की वीडियो देखनी है, तो हमने जो है पाए का सालन भी बना के दिखाया है। आपको जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर आसानी से पाए उबालना सीख सकते हैं। सारे पाए की बोटी हमने इस पर एक ही साथ डाल दी हैं। डालने के बाद हल्का सा मिक्स करें। इसके अंदर जो है हम पूरा 1.5 किलो पानी डाल लेंगे। पाए का जो उबला हुआ पानी है वो, और इसके अंदर सिंपल पानी मिलाकर जो है हम पूरा 1.5 किलो डालेंगे। क्योंकि हम जो है जब प्रेशर कुकर पे चावल बनाते हैं तो पूरा जो है 100 ग्राम पानी कम डालते हैं। अगर हम 100 ग्राम पानी कम डालते हैं तो चावल जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनते हैं। नीचे का पानी बचा दें, इसमें हड्डी की किर्ची हो सकती है, इसलिए हमने नीचे का थोड़ा सा पानी बचा दिया है। इसमें हल्का सा 1 बार चम्मच चलाएँ। 1 नींबू का हमने रस निकाल के रखा है, वो हम सारा डाल देंगे। खट्टा जो है आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली दाल जो है हमने पूरी 100 ग्राम ली है और इसे 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया था। दाल को हमने बहुत ही अच्छे से वॉश करके डाला है। जैसे ही हम कुकर के अंदर पानी डालते हैं तो हमें जो दाल को जो है फ़ौरन डालना चाहिए, क्योंकि दाल जो है चावल से केड़ी गलती है। हमने इसे पहले ही डाल दिया है। अब पानी में उबाल आएगा तो दाल जो है हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी और जो है चावल के साथ सॉफ्ट हो जाएगी। पानी में जो है बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है।
हम जो है यहाँ पे चावल ऐड करेंगे। चावल जो है हमने पूरे 700 ग्राम लिए थे नाप कर, हल्का सा एक बार चम्मच चलाएं। चावल को पूरे हमने 2 घंटे के लिए भिगोया था और इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। सारे चावल इसमें मैंने एक साथ डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद जो है हल्का सा मिक्स करेंगे। बाउल को अच्छे से साफ़ कर लें। चावल जो है हमने पक्की वाली बासमती लिए हैं जो गोल्डन राइस के नाम से आते हैं। अगर आप कच्ची बासमती के बनाना चाहते हैं तो वो जो है बहुत कम भीगते हैं। उसकी पाए की तारी भी बहुत टेस्टी लगती है। 1 चम्मच हरा धनिया और थोड़ा सा हमने यहाँ पे पुदीने के पत्ते लिए हैं। इन्हें भी मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश करके डाला है। डालने के बाद जो है इसे हल्का सा मिक्स कर दें। थोड़ी सी इसके अंदर हम कसूरी मेथी भी डालेंगे अच्छी खुशबू के लिए। 1/4 चम्मच कसूरी मेथी डाल दें। अगर आपको कसूरी मेथी की खुशबू पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। कसूरी मेथी से जो है तारी के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर और बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाएगी। अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच जो है मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अमचूर पाउडर जो है हमारा होममेड है। अगर आप अमचूर पाउडर बनाना चाहते हैं तो अब जो है कच्चे आम आ रहे हैं और हमने अपने चैनल पे इसकी वीडियो भी अपलोड कर रखी है। आपको जो है इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। इसमें अच्छे से चलाएं और एक बार नमक चेक कर लें, क्योंकि हमने इसमें नमक वैसे भी डाला है और पाए उबालते हुए भी हमने इसके अंदर नमक डाल दिया था। एक बार आप यहाँ पर नमक चेक करें और ढक्कन लगाएं और 1 सीटी आने का इंतज़ार करें। 1 सीटी आ गई है। चावल को जो है हमने प्रेशर के अंदर ही छोड़ दिया था। ढक्कन खोलकर हम आपको चेक कराएंगे। देखिए माशाल्लाह तहरी जो है एकदम खिली खिली बनी है। कलर माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आया है। हमें जो है ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी चाहिए चावल के अंदर, नहीं तो कलर जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता और टेस्ट भी तहरी का बेकार हो जाता है। हल्दी जो है हमें 800 ग्राम चावल में बस सिर्फ 1 ही चम्मच डालनी चाहिए। पैन को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए और 2 चम्मच जो है इसके अंदर हमने डालडा घी डाला है। जब भी आप तहरी बनाएं तो कोशिश करें पीली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च की बनाएं। हमने जो है थोड़ी सी प्याज डाल दी है इसके अंदर। प्याज को हमें बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए। हिलाते हुए भंगार तैयार करें इसका। अगर आपने पहले कभी पाए की तहरी नहीं बनाई है तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें हमारे तरीके से। ये वाली तहरी जो है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आपने अगर इस तरीके से तहरी बनाकर खा ली तो आप जो है बिल्कुल इसी तरीके से बार बार बनाएंगे। भंगार जो है हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो गया है। इसे चावल के ऊपर ऐड करें और थोड़ी सी प्याज जो है गार्निशिंग के लिए बचा लें। तहरी को जो है हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। इसमें हल्के से चम्मच चलाएं। चावल जो है माशाल्लाह एकदम नरम और खिले खिले बने हैं। इस तरीके की होनी चाहिए पाए की तहरी। देखिए कलर माशाल्लाह कितना अच्छा है, खुशबू इसमें से काफ़ी अच्छी आ रही है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। यह है हमारे मुजफ्फरनगर की स्पेशल पाए की तहरी। हमारे मुजफ्फरनगर में जो है पाए की तहरी बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं और फिर आप हमें बताएं कि आपको जो है पाए की तहरी की रेसिपी कैसी लगी। तहरी के साथ जो है हमने चटनी भी बनाई है, प्याज और मूली की, पुदीने और हरे धनिया वाली। हमने जो है अपने चैनल पे पाए की बिरयानी की वीडियो भी अपलोड कर रखी है। इस चटनी से जो है तहरी और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको पाए की तहरी की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।